अपनी गाड़ी में भर गया अभी फ्यूल, तो मिलते हैं अभी आगे। हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सो भाई, आज के इस ब्लॉग में हम जा रहे हैं दरगाह शरीफ गिरड। अपन ने अभी न्यू कार लेने की सोचा है, तो अपनी न्यू कार रही ये, देखिए कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। इसका पूरा हुलिया दिखाते हैं, ये रहा इसका स्टीयरिंग, पूरा हाथ में निकला हुआ है। इसका इंजन तो पूरा काम से गए। कवर देखिए, बैक देखिए इसका। सोच रहा था किसी को गिवे भी कर दूँ ये कार। आपको पसंद आई होंगी तो कमेंट करके बताइए, आपको गिवे भी हो जाएगी ये कार। तो गाइस, अपन अभी पहुंच गए हैं समुद्रपुर, जो आता है वर्धा जिला में। तो देखिए इस गांव का नज़ारा। आज अपन ऑलमोस्ट पहुंच ही गई है गिरट की टेकरी पर। बस ये आप देख सकते हैं, गिरट की टेकरी आ गई है। ये देखिए ऊपर गिरट। हाँ चलिए। तो गाइस, फाइनली अपन पहुंच गए हैं गिरट में, आप देख ही सकते हैं। सो देखिए ये अपनी गाड़ी पहुंच गए। 90 किलोमीटर गाड़ी चला के पूरे थक गए और अपन पहुंच गए फाइनली गिरट। हमने फूल का सामान ले लिया है, चलिए अभी अंदर चलते हैं। ये देखिए दरगाह का नज़ारा, बाबा शेख फरीद दरगाह। चलिए अंदर चलते हैं। अंदर बंद कर देखो। तो गाइस, यहाँ पर कुछ ऐसा सीन है कि दरगाह तो अंदर से पूरा बंद है, अंदर जाने नहीं दे रहे, पर बाहर से हमने पूजा कर ली है। तो देखिए दरगाह पूरा बंद है। तो अभी आपको दिखाते हैं ऊपर का टेकड़ी का दरगाह। तो चलिए मिलते हैं आगे। का मेरा फ्रेंड खड़ा है और देखिए पूरा गांव है पीछे, एक नंबर व्यू आ रहा है, देख सकते हैं आप, बहुत दूर दूर तक दिख रहा है यहाँ से। और ये गिरट की टेकड़ी है, ये अपनी बाइक से लगी है यहाँ पर। तो फाइनली गाइस, अपन पहुंच गए हैं गिरट की इस दरगाह में। देखिए सो कैसा लग रहा है, बंदर्स वगैरह है खूब सारे, देखिए। और ये देखिए कैसा घूम रहा है। चलिए आपको दिखाते हैं बाकी का। ये देखिए दरगाह शरीफ यहाँ पर। देखिए तालाब कितना खास लग रहा है, और भी दिखाएंगे इसके अंदर। उसके अंदर फ्रेश कछुए वगैरह बदक वगैरह रहते हैं, ये भी दिखाएंगे। फिलहाल बंदर देखिए कहाँ बैठा है। क्या लिखे
देखिए दरगाह शरीफ गिरड़, बहुत मज़ा आ रही है यहाँ पर आके। और यहाँ का सीन, यहाँ का अभी का नेचर, एक नंबर हवा वगैरह चल रही है तो बहुत बढ़िया लग रहा है। आप आगे देख सकते हैं बदक वगैरह है आगे, देखिए एक नंबर बढ़िया से आवाज़ कर रहे हैं बदक भी, और ये बंदर फाइटिंग कर रहे हैं। चलिए, और यहाँ पर कुछ न्यू कंस्ट्रक्शन चालू है शायद, देखते हैं क्या है। तो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं ये लोग। देखिए दंगा मचा के रख दिया इन। बहुत आतंक करते हैं ये लोग। देखिए सो गाइस, निकलते हैं यहाँ से, अभी बहुत टाइम हो चुका है, सो चलते हैं। चलो नागपुर का ऐसा अंडरग्राउंड बीच है जो 500 मीटर का है, इतना खूबसूरत है ये अंदर से, आप देखिए और बताइए कमेंट करके कैसा लगा आप सभी को। सो गाइस, अभी अपन घर के पास पहुंच गए हैं, बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया, बहुत घूमे हम। फाइनली पहुंच गए अपन अपने फ्रेंड के घर के पास। आज का इस
ब्लॉग कैसा लगा गाइस आप कमेंट करके बताइए, और आज के ब्लॉग में मज़ा आ गया होगा तो इस चैनल को लाइक कीजिए और अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही ब्लॉग देखने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय।